दिवाली के दिन सवेरे नाश्ते में पूड़ी था, ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ी और साथ में चने का सब्जी था। एंड ये देखिए फ्रेंड, शाम के पूजा के लिए खीर बिठाई थी, बना रही थी खीर को। एंड साथ में हरी मटर को बॉयल कर रखी थी मटर पनीर बनाने के लिए। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। मैं छाया स्वागत करती हूँ आप लोग को मेरे चैनल वी एंड आवर लाइफ स्टाइल में। होप करती हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे, मजे में होंगे। फ्रेंड, दिवाली है एंड आप सब लोग को मेरे पूरे परिवार के ओर से हैप्पी एंड सेफ दिवाली। एंड चलिए, आज दिवाली का तो तैयारी काफ़ी सारा रहता है, आप लोग को पता ही होगा, आप लोग भी ऐसे ही तैयारी करते ही होंगे। अभी सवेरे सवेरे तो बहुत काम रहता है फ्रेंड। पहले तो खाना बनाने का है, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाई थी कि खीर मैं ऑलरेडी पूजा के लिए बना बिठाई हूँ। एंड बस हो जाएगा तो उसमें बस ड्राई फ्रूट्स डालना बाकी है। आज का मेनू में रहेगा मटर पनीर एंड जीरा राइस एंड रायता रहेगा, और ज़्यादा कुछ तो करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि फिर देखिए ना, पूजा का भी तैयारी करो, फिर उसके बाद रंगोली वंगोली डालना रहता है, फिर दिया को अरेंज करो, दिया को अरेंज करके फिर दिया को फिर रखो, फिर बहुत सारा काम रहता है। फिर यहाँ काम निपटा कर मेरे को ससुराल जाना है, ससुराल में भी दिवाली की दिवाली हम लोग वहीं पर मनाते हैं। तो यहाँ इस घर में मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर दिया भी लगा देते हैं, फटाखा वटका फोड़ देते हैं, पूजा वूजा कंप्लीट करके फिर वहाँ जाते हैं। वहाँ पर भी सास ससुर सबको घर पर पूरा परिवार के साथ फिर हम लोग फिर वहाँ दिवाली मनाते हैं, और ऐसे भी मनाना भी चाहिए। तो फिर मैं अगर पॉसिबल होगा, सब कोई कैमरा फ्रेंडली होंगे तो मैं वहाँ का भी देखिए फटाखा फोड़ रहा है। एंड दिवाली तो स्टार्ट होने से 4-5 दिन से पहले ही फटाखा स्टार्ट हो जाता है। आप लोग की तरफ ऐसे फोड़ते हैं कि नहीं, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। एंड दिवाली के आफ्टर दिवाली भी 4-5 दिन तक भी फोड़ते रहते हैं। तो फिर ससुराल जाएंगे, ससुराल जाऊंगी, फिर अगर वहाँ पर अगर कोई कैमरा फ्रेंडली होगा तो मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, और जितना पॉसिबल हो पाएगा फ्रेंड मैं उतना आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूंगी। फटाफट से खाना बना देती हूँ एंड फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। संजू वहाँ से हंस रहे हैं, और भी आओ वीडियो में बोलूँगी तो अभी नहीं नहीं बोलेंगे, आना का नहीं करेंगे। आओगे? आओगे नहीं नहीं बोल रहे हैं, देखिए अभी आऊँगा बोले और फट से चले गए। चलिए, बहुत सारा काम है फ्रेंड, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। एनडीए में फिर से किचन में आ गई थी। देखिए आपको पता है खीर बैठाई हूँ, खीर बनानी है अभी तक, थोड़ा सा बस उसे हिला देती हूँ। 10 मिनट के बाद मेरा खीर भी बन गया था। एंड ये देखिए, मैं बादाम और काजू पहले से काट के रखी थी, उसको अभी डाल रही हूँ, किशमिश से पहले से डाल चुकी थी। ये देखिए मेरा खीर बन गया है, पूजा के लिए तैयार हो गया है। करते हैं रंगोली बनाने में तो फ्रेंड बहुत टाइम होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा रंगोली बनाने में तो कितना टाइम लग जाता है। फ्रेंड जैसे कि आप मेरे को देख सकते हैं रंगोली बनाते हुए, चलिए मिलके रंगोली बनाते हैं। ये देखिए ये जो डॉट डॉट वाला फिलिंग है ना, अच्छा लगता है। कलर फिल करने में ना फ्रेंड बहुत टाइम लग जाता है एंड बहुत बड़ा टास्क रहता है। ये देखिए मैं कर रही थी और संजो ले रही थी वीडियो। एंड मेरा रंगोली आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एंड ये देखिए रंगोली के साथ मैं सेल्फी लेते हुए। एंड ये देखिए फ्रेंड, शाम को पूजा ख़त्म करने के बाद मैं दिया रखने जा रही थी बाहर, एंड संजू बोले थोड़ा वीडियो में दिखा दे करके। ये देखिए मैं जा रही हूँ बाहर आंगन में दिया रखने के लिए, दीवार बाउंड्री वाल के ऊपर दिया रखने के लिए। एंड ये देखिए मेन एंट्रेंस में, घर के मेन एंट्रेंस में भी दिया रख रही थी। हैप्पी दिवाली। हाय फ्रेंड, हम लोग की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। चलिए दिया रखते हैं। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली, और बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। एंड ये देखिए फ्रेंड, मैं फुलझड़ी जला रही थी, मेरे को फटाखा से डर लगता है, दिवाली है करके कुछ फुलझड़ियाँ जला देती हूँ। एंड संजू जला रहे थे, संजू को डर नहीं लगता लेकिन संजू मेरे साथ साथ दे रहे थे। एंड ये देखिए फ्रेंड, बाहर से मेरा घर का डेकोरेशन, उस दिन लाइट ऐसे ही लगाए थे वो लोग। एंड ये देखिए मेरे दिया के साथ मेरी रंगोली। एंड संजू अभी फुलझड़ी लगाने के लिए जा रहे हैं, देखिए ये फुलझड़ी लगा रहे थे।
चलिए चलिए फ्रेंड, अभी मेरे को चलना है, मेरे को ससुराल जाना है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताई थी कि ससुराल जाएंगे करके, ससुराल में फिर सबको वेट करते रहते हैं पूजा पूजा करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, हम लोग ससुराल जा रहे थे एंड आप लोग रास्ते का व्यू देखिए। एंड ससुर जी मंदिर में कुछ कर रहे थे, कुछ फोटो लगा रहे थे शायद। एंड ये मेरे सासू माँ आ गए हैं, कुछ शायद रखेंगे, कुछ रख रहे थे। एंड ये देखिए फ्रेंड, मेरे ससुराल का मंदिर, ये पूजा घर। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, दिवाली पूजा के लिए सब तैयारी हो गया है। एंड ये देखिए फ्रेंड, आरती के लिए सब कोई खड़े हो गए थे। ससुर जी कुछ किताब निकाल रहे थे, आरती का किताब निकाल रहे थे। ये देखिए देवर आरती कर रहे हैं, ये देखिए संजू भी आरती कर रहे हैं। इंडिया आ गया और एक देवर एंड उनकी बेटी, ये दोनों भी आरती कर रहे हैं। एंड ये देखिए फ्रेंड, बाबा भी आरती कर रहे थे। एंड ये देखिए फ्रेंड, मैं भी आरती कर रही थी। एंड यहाँ भी आरती कर रही थी। देखिए ऐसे ही हम लोग दिवाली मनाए, ऐसे था मेरा दिवाली सेलिब्रेशन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पूजा ख़त्म करने के बाद प्रसाद लिए, प्रसाद के बाद फिर डिनर हुआ। डिनर के बाद हम लोग कुछ फ़ोटो वोटो ले रहे थे। एंड ये देखिए मैं कुछ फ़ोटो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड लाइक करना ना भूलेंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वाला वीडियो में। बाय।